तो कब आने वाला है एपिक्स मोबाइल का नेक्स्ट स्टेज? लगता है एपिक्स मोबाइल के सोशल्स जल्दी ही आने वाले हैं। तो हेलो यार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? स्वागत है आप लोग का मेरी एक और इस नई एपिक्स लेजेंड्स मोबाइल की वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर आप लोग का एक सबसे बड़ा डाउट तो क्लियर होगा ही होगा कि एपिक्स मोबाइल का नेक्स्ट स्टेज हमें कब देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ एपिक्स मोबाइल के सोशल्स के ऊपर भी हमें काफ़ी अच्छा अपडेट देखने को मिला है। एपिक्स मोबाइल के मतलब ऑफिशियल जो सोशल हैंडल्स होते हैं, एंड उसी के साथ साथ एपिक्स मोबाइल हमारा मेनली मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस के लिए कंपैटिबल हो भी चुका है। तो यार वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, पूरा एंड तक बने रहना। एंड मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए करता हूं आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट। ओके तो यार सबसे पहले चीज की तरफ हम लोग बढ़े जो कि निकल करके आती है यहां पर एपिक्स मोबाइल के सोशल्स के रिगार्डिंग। हाँ दोस्तों, आप लोग केरन को जरूर से जानते होंगे, इनका मैंने कई बार अपनी वीडियो में यहां पर जिक्र किया है। ये यहां पर है सीनियर कम्युनिटी मैनेजर रिस्पॉन के अंदर। तो इन्हीं की तरफ से हमें एक रिसेंटली ट्वीट देखने को मिलता है 29th of January को। ट्वीट आपकी स्क्रीन के सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर लिखी है, अ स्मॉल नोट फॉर दोज हु हैव अप्लाइड हैंग टाइट। एंड नीचे की तरफ जहाँ पर मैं एरो कर रहा हूँ आप देख सकते हैं इन्होंने अपना एक और ट्वीट इसके साथ यहाँ पर अटैच किया हुआ है। तो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, अगर आप मेरे वीडियोज़ को रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो मैंने लास्ट ईयर आप लोग को एक वीडियो यहाँ पर बना करके बताया था दिसंबर मंथ के अंदर। एंड इन्होंने यहाँ पर दिसंबर मंथ के अंदर एक यहाँ पर ट्वीट किया था एपिक्स लेजेंड मोबाइल के रिगार्डिंग। यहां पर देख सकते हैं नीचे की तरफ यहां पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, आई एम हायरिंग अ कम्युनिटी मैनेजर फॉर एट द रेट प्ले एपेक्स प्राइमरली मोबाइल एट रिस्पॉन। तो यहाँ पर इन्होंने प्राइमरली मोबाइल को मेंशन किया है, मतलब कि एपिक्स लेजेंड्स मोबाइल की ही यहाँ पर बात हो रही है। एंड इन्होंने यहाँ पर एक लिंक भी दिया था जहाँ पर एपिक्स लेजेंड मोबाइल के रिगार्डिंग यहाँ पर काफ़ी सारी हमें जॉब लिस्टिंग्स भी देखने को मिली थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर फिर से ट्वीट किया है, मतलब कि ये यहाँ पर कहना चाह रहा है कि वो जो लास्ट यहाँ पर जॉब लिस्टिंग थी उनके अंदर जिन जिन बंदों ने यहाँ पर अप्लाई किया है तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पर ये कुछ अलर्ट यहाँ पर देना चाहते हैं, उनके रिगार्डिंग कोई इन्फो देना चाहते हैं। बट हमें यहाँ पर इससे मतलब नहीं है, इससे यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर प्रूव होती है कि एपिक्स मोबाइल के सोशल्स हमें जल्दी ही देखने को मिलेंगे, उसी के ऊपर यहाँ पर इनका काम चल रहा है। एंड आप लोग को पता भी होगा गेम लॉन्च से पहले ही उसके सोशल्स यहां पर बन के रेडी हो जाते हैं, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है गेम का प्रमोशन करना है, गेम की मार्केटिंग करनी है, लोगों तक यहां पर पहुंचाना है। अगर लोगों को गेम के बारे में पता ही नहीं होगा तो लोग डाउनलोड ही क्यों करेंगे गेम को। एंड आप लोग को यहां पर एक चीज बता दूं, एपिक्स मोबाइल अब यहाँ पर हमारे मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस के लिए कंपैटिबल हो चुका है। मेरी जो लास्ट वीडियो है अगर आपने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैं लिंक दे देता हूँ। मुझे तो पता है यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोगों ने देख लिया, अगर आपने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक है जरूर से चेक कर लेना। उसके अंदर मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था कि एपिक्स मोबाइल कई सारे यहाँ पर लो एंड डिवाइसेस के लिए कंपैटिबल हो भी चुका है। एंड मेरे लास्ट वीडियो में ही मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी देखने को मिल गए कि हाँ भाई मेरे पास ये वाला डिवाइस है, मेरे पास 3 GB रैम है, मेरे पास 4 GB रैम है, एंड मेरे डिवाइस में अब प्री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है जो कि पहले नहीं कर रहा था। तो ये सुन के मुझे काफी यहाँ पर खुशी हुई। एंड आप लोग खुद ही सोचो इनके जो नेक्स्ट फेज होगा, चाहे आप उसे ओपन बीटा कह लो चाहे सॉफ्ट लॉन्च कह लो, वो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द बंदे यहाँ पर खेल पाएंगे क्योंकि यार मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस के लिए कंपैटिबल हो चुका है। तो यार मज़ा यहाँ पर दुगना होने वाला है। एंड यहाँ पर अब नेक्स्ट चीज़ की बात करें, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि एपिक्स मोबाइल का जो नेक्स्ट फेज है जो कि सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन है इस वीडियो का कि वो हमें कब देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं आप लोग के साथ एकदम लॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ यहाँ पर बात करने वाला हूँ। आप लोग को याद होगा अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो यहाँ पर देख रखी है तो यहां पर प्राइवेट बीटा से एक डेट यहां पर लीक होकर के आई थी कि एपिक्स मोबाइल का जो सॉफ्ट लॉन्च की एंड डेट है वो है यहां पर 17th of May। बट इन्होंने यहां पर स्टार्टिंग डेट को मेंशन किया ही नहीं था। एंड एपिक्स मोबाइल का एक सीजन चलने वाला है 2 महीने के लिए। तो इस कैलकुलेशंस को यहां पर देख करके अगर हम लोग 17th of May से 2 महीने को माइनस करें तो यहां पर निकल करके आता है 17th of March, मतलब कि जो स्टार्टिंग डेट है। एंड यहां पर स्टार्टिंग डेट से अगर हम लोग 17th May तक देखें तो मतलब 2 महीने होते हैं। तो यार हम लोग इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्च के अंदर या मार्च के मिड तक हमें नेक्स्ट जो एपिक्स मोबाइल का फेज है वो देखने को मिल सकता है। एंड 100% कंफर्म, कुछ भी मत समझना है यहां पर, बिल्कुल मैं लॉजिकल कैलकुलेशंस के ऊपर बात कर रहा हूं। एंड कल के दिन है यहां पर ईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ दोस्तों यहां पर, एंड मैंने उसके टाइम को भी यहां पर कन्वर्ट कर लिया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, यहां पर रात के 3:30 बजे यहां पर निकल करके आता है। बट आप लोग को जागने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप लोग का भाई यहां पर कॉन्फ्रेंस सुनेगा, जो भी इन्फो आएगी निकाल के यहां पर लाएगा। एंड आप लोग
को वीडियो बनाकर मैं सब कुछ यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगा क्या क्या उसमें यहाँ पर बताया गया है। होप करते हैं यार एपेक्स मोबाइल से रिगार्डिंग हमें काफ़ी इन्फो यहाँ पर देखने को मिले। यार वीडियो आप लोग को कैसी लगी यार का लाइक कर देना है, यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर आपको कोई भी डाउट हो यार बेझिझक यहाँ पर कमेंट कर देना। एंड यार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर दो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको एपेक्स मोबाइल का ही कॉन्टेंट देखने को मिलता है। एंड जैसे ही गेम आता है पूरा बूम बाम यहाँ पर होने वाला है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रॉम एपेक्स जोन।